देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,16,000 के पार 1,00,000 हुए ठीक। दिल्ली में रिकॉर्ड 1,513 संक्रमित। देश में एक ही दिन में 9,000 से ज्यादा मामले। आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण के एक दिन में सबसे ज्यादा 9,000 से अधिक मामले बुधवार को दर्ज किए गए। अब तक 2,16,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं। हालांकि इस बीमारी से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। अब तक 1,00,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इस बीच दिल्ली में एक दिन में रिकॉर्ड 1,513 संक्रमित मिले हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम समेत अन्य राज्यों में भी मामले लगातार मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में चला 120 किलोमीटर की रफ्तार वाला तूफान, भारी नुकसान। या दोस्तों, महामारी कोरोना से जूझ रहा महाराष्ट्र बुधवार को चक्रवात निसर्ग की दस्तक से हिल उठा। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को हिलाकर रख दिया। विशेषकर रायगढ़ जिले और मुंबई के दक्षिणी इलाके को अरब सागर में उठा यह तूफान दोपहर में रायगढ़ जिले के अलीबाग में समुद्र से टकराया। इस दौरान 120 किलोमीटर तक की प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। अलीबाग मुंबई से 110 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटा शहर है जहां कई किले और मंदिर है। यहां बॉलीवुड के कई कलाकार भी रहते हैं। 90,000 शिक्षकों के नियोजन का नया शेड्यूल इसी सप्ताह। जी हां दोस्तों, पटना विधानसभा चुनाव के पूर्व राज्य सरकार 90,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया को पूरा कर लेगी। इसी क्रम में बुधवार को शिक्षा विभाग ने नियोजन को लेकर विधि विभाग को भेजा गया प्रस्ताव वापस ले लिया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि छठे चरण के इस नियोजन प्रक्रिया का नया शेड्यूल इसी सप्ताह जारी कर दिया जाएगा। जागरूकता अभियान के दौरान जनप्रतिनिधियों से सीएम का सीधा संवाद। कहा, दूसरे राज्यों ने मुसीबत में छोड़ा, हम मुहैया कराएंगे रोजगार। जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जो लोग दूसरी जगह काम करने गए थे वे सेवा करने गए थे, लेकिन दूसरे राज्यों के लोगों व कंपनियों ने मुसीबत में इनका ध्यान नहीं रखा, यह बहुत दुखद है। उन्होंने कहा कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं और जो लोग बाहर से लौटे हैं, सभी के रोजगारों के लिए यही व्यवस्था की जा रही है। अगली खबर किसान को राहत देने वाली है। आपको बता दें कि मंडी से बाहर भी उपज बेच सकेंगे किसान। जी हाँ, किसानों को सशक्त बनाने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को कुछ अहम फैसलों पर मुहर लगाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई बैठक में इस संबंध में कुल 3 फैसलों को मंजूरी मिली। माना जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत खेती किसानी के लिए हुई घोषणाओं पर मोदी सरकार ने इन निर्णयों के जरिए एक तरह से अपनी मुहर लगाई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 6.5 दशक पुराने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को मंजूरी मिली है। अब अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल पदार्थ और आलू जैसी वस्तुएं आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से बाहर हो जाएंगी। किसान इसका योजना के अनुसार भंडारण और बिक्री कर सकते हैं। इसके अलावा कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई। इससे किसानों को अपनी फसल अपने हिसाब से बेचने की आजादी मिलेगी। बिहार में बुधवार को 230 मिल नए पॉजिटिव मरीज, 222 और मरीज स्वस्थ। जी हां, राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 4326 तक पहुंच गई है। बुधवार को 30 जिलों में कोरोना के 230 नए मामले पाए गए। खगड़िया जिले में सर्वाधिक 85 नए मामले आए। वहीं पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक 222 कोरोना मरीज स्वस्थ भी हुए। बिहार में जुलाई में सरकारी स्कूल कोचिंग खोलने की तैयारी। अगले माह एडमिशन की प्रक्रिया होगी शुरू। अमरनाथ गुफा की पहली तस्वीर आई सामने, 21 जुलाई से यात्रा। जी हां, जम्मू कश्मीर स्थित बाबा अमरनाथ की यात्रा को शुरू करने के लिए इस साल कोरोना की वजह से काफी उपापह की स्थिति बनी रही है। फिलहाल यह फैसला लिया गया है कि इस साल की यात्रा को सीमित यात्रियों के साथ महज 15 दिनों के लिए करने की इजाजत दी जाएगी। इस बीच अमरनाथ गुफा से बाबा बर्फानी के शिवलिंग की पहली तस्वीर सामने आई है। इस साल सर्दियों में हुई जबरदस्त बर्फबारी की वजह से अमरनाथ गुफा में शिवलिंग का आकार बहुत बड़ा है। इस बार 21 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक यात्रा को करने की इजाजत दी जाएगी। खेल पुरस्कार के नियम में केंद्र सरकार ने किया बड़ा बदलाव। खिलाड़ी अब 22 जून तक स्वयं कर सकते हैं नामांकन। नाम भेजने के लिए खेल संघों के अधिकारियों के अनुमोदन की जरूरत नहीं है। अगली खबर मानवता को शर्मसार करने वाली है। जी हां दोस्तों, केरल के मालपुरम में हथिनी को पटाखों से भरा अनानास खिलाया, तरप तरप कर हुई मौत। जी हां दोस्तों, केरल के मालपुर में एक गर्भवती हथिनी मानवीय क्रूरता का शिकार हो गई है। उसे किसी व्यक्ति ने पटाखों से भरा अनानास खाने को दिया, जिसकी वजह से वह बुरी तरह से घायल हो गई और उसकी मौत हो गई। साइलेंट वैली फॉरेस्ट में यह गर्भवती हथनी 27 मई को इस क्रूरता का शिकार हुई। यह हथनी अप्रैल में पथनापुरम के जंगल में वन अधिकारियों को गंभीर हालत में मिली थी। आज के इस ऑडियो अखबार बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़।